हेलो दोस्तों, डेली आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडी 2 के पेपर को देखेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज हम लोग का क्वेश्चन जो रहेगा सोशल जस्टिस के ऊपर रहेगा। तो हम लोग का क्वेश्चन 1 आज का देखते हैं। यहाँ पे डू यू एग्री विद द व्यू डैट द कोविड-19 क्राइसिस एंड एसोसिएटेड वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन हैव रिवील्ड द प्लाइट ऑफ वल्नरेबल इंडियन माइग्रेंट लेबर फोर्स। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट के आर्गूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आपका आखिर जो पूरे वर्ल्ड में माइग्रेंट लेबर फोर्स जो एक तरीके से अपने आपको वल्नरेबल फील कर रहे हैं, वो उसके पीछे क्या रीजन है। तो पहले आपका हो रहा है कि एग्री करते हैं, तो हमने लिखा यस आई डू एग्री विथ द ओपिनियन अबाउट कोविड-19 क्राइसिस विच एक्सप्लोर द वल्नरेबिलिटी ऑफ द माइग्रेंट लेबर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, रीजन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ द माइग्रेंट पीपल, आखिर क्या क्या रीजन है। तो पहला हमने लिखा गवर्नमेंट फेल टू सपोर्ट देयर बेसिक नीड, क्योंकि उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, उनके फूड, उनके जो भी आपके रिक्वायरमेंट इनकम के बारे में बोल सकते हो, तो वहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। फिर हमने लिखा माइग्रेंट पीपल डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म सेविल। अब कोई भी माइग्रेंट जो रहते हैं वो तो दिहाड़ी पे चलते हैं कि मतलब आज कमाए उड़ाए, मतलब खर्च किए, तो वहाँ पे उनके पास उतनी कैप लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं हो पाती है। अब लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं हो पाने के कारण क्या हो गया कि उनके पास इनकम ही नहीं है और आपका क्राइसिस हो गया। फिर हमने लिखा सेंटर एंड स्टेट फेसिंग कम्युनिकेशन गैप, नन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट डू नॉट विल फुली फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ सेंटर विच इज हेल्पिंग इन बूस्टिंग द पैंडेमिक। अब नन सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल कर सकते हो, सो वहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल है तो वो आपको फॉलो नहीं हो रहा है। अब जैसे कि तमिलनाडु हो गया, फिर आपका केरला हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका जो नन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ही रूल को फॉलो करेंगे, तो आपका वहाँ से एक तरीके से कॉम्प्लायंस नहीं होगा, मतलब उनका पालन नहीं हो पाएगा से आपका डिफिकल्टी बढ़ेगा। फिर यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग लीड टू वर्ड्स सेवरल क्राइसिस एज डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस हो गया, इट वॉन्ट सिवियर, वो उन्होंने सोचा कि इट वॉन्ट बी सिवियर एट दैट एक्सट्रीम लेवल विच लीड टू सेवरल सट द सेवरल इंडस्ट्री। अब वहाँ पे क्या था कि हम लोग एकदम से सुप्रीम बीइंग हैं तो वहाँ पे आपका क्राइसिस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे क्राइसिस बढ़ते गए और पूरा वर्ल्ड ने उस क्राइसिस को एक तरीके से झेला और वहीं से क्राइसिस आपका और एक्सट्रीम सीवियर होते गया। फिर हम लोग देखते हैं एज देर इज नो प्रोडक्शन यूनिट रनिंग इन द कंट्री सो लीड टू वार्ड जॉब कट इन मेनी इंडस्ट्री। अब देखिए, जहाँ पे आप यूनिट ही नहीं रन करेंगे तो वहाँ पे आपका डिमांड नहीं होगा। अब डिमांड नहीं होने से आपका जो होगा प्रोडक्शन आपका बंद हो जाएगा, तो वहाँ से आपका लोग एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, कट करेंगे, मिटिगेट करेंगे। तो वहाँ पे जैसे कि आप बोल सकते हो एफएमसीजी सेक्टर, अब जैसे कि आपका एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर का डिमांड ही नहीं है, तो ऑटो सेक्टर का डिमांड नहीं रहेगा तो आप ऑटो सेक्टर के जो लोग हायर करेंगे उनको आपका एलिमिनेट कर देंगे। उसी तरीके से जहाँ पे आगे देखते हैं विलफुल डिजायर, क्यों क्राइसिस बढ़ रहा है, तो विलफुल डिजायर टू मीट द फैमिली मेम्बर विदाउट एनी बैकअप प्लान लीड द मोर क्राइसिस टू देम। अब माइग्रेंट पीपल है वो जस्ट किसी फैमिली मेम्बर से मिलना है तो चले गए, कोई बैकअप नहीं कि आखिर वहाँ पे जॉब का क्या होगा, वहाँ पे भी इशू रहेंगे। और फिर है कि स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ एक जॉब के लिए, तो हम लोग देखेंगे आगे एज देर इज अ स्पेसिफाइड सेंट्रल जोन ऑफ कोविड-19 एंड प्रॉपर गाइडेंस गिवन बाय सेंटर बट लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ नॉलेज लीड टुवार्ड्स द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। क्योंकि माइग्रेंट पीपल का उतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अगर उतना इन्फॉर्मेशन रहता तो फिर वो वहीं पे रुक के वहाँ पे अपना आपको कंटेन करते, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यही कह सकते कि गवर्नमेंट और आपका जो पीपल थे उनको दोनों को ही एक तरीके से आपका नॉलेज को वहाँ पे बढ़ाना था और उनको अवेयरनेस बढ़ाने थे। फिर देखते हैं गवर्नमेंट लिफ्टिंग द बैन टाइम टू टाइम एज पर द सिचुएशन इन अ स्टेट, व्हाट इज द रूट प्रॉब्लम इज शिफ्टिंग वन सेक्टर डिमांड ओवर अदर। अब देखिए, गवर्नमेंट डिमांड तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिफ्ट जो होता है बैन कर देते हैं हर एक जो आपका जो कह सकते हो कि 14 डेज का आपका जो रहता है लॉकडाउन उसको बढ़ा दिया जाता है, फिर लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको पोस्टपोन किया जाता है, तो लिफ्ट तो करते हैं बट रूट कॉजेज क्या है कि अगर आपका फार्मा सेक्टर में लोग अभी जॉब क्रिएट हो रहा है क्योंकि उनका डिमांड है, एफएमसीजी लोग खाना खाएंगे और क्या करेंगे, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो उसके लिए भी आपका आईटी सेक्टर डिपेंडेंसी क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सही तो सब कुछ रन करेगा। तो देखते हैं एज द क्राइसिस रीड टू वार्ड द मोर लोड इन फार्मा सेक्टर विच दे फेस अलॉट इशू इन
रियल लाइफ, सो दे हैव टू इंक्रीज द मोर लेबर फोर्स इन फार्मा सेक्टर, सो माइग्रेंट वर्कर गेट द जॉब। अब देखिए बहुत कुछ लिखने को होता है, बट वी हैव टू फॉलो द टाइम लिमिट, मीन्स वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स, सो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट वी हैव टू जस्ट वॉट एवर द कंटेंट वी हैव टू फॉलो इट। सो देर इज मोर थिंग यू कैन राइट अबाउट आई टी सेक्टर। सो ये हो गया हमारा पॉइंट, अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। सो नो प्रॉब्लम इज परमानेंट, वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ ICMR एंड गवर्नमेंट एंड सेंटर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड टू मेनी सेक्शन। फिर देखते हैं एंड दे आर हेल्पिंग द पीपल विथ फुल सपोर्ट, सो इट्स टाइम फॉर वी ऑल हैव टू कोऑपरेट विथ क्राइसिस इन क्राइसिस एंड ट्रंप ओवर द COVID-19 पेंडेमिक। मतलब हम लोगों को क्या है कि गवर्नमेंट के साथ एक तरीके से कोऑपरेट करना है और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करके वी कैन ट्रंप ओवर दिस पेंडेमिक, मीन्स द वैक्सीन विल श्योर शॉर्ट द साइंटिस्ट कम्युनिटी विल डेवलप। सो बट एट द टाइम मीन वाइल वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू बी कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट सो वी कैन विन ओवर लाइक न्यूजीलैंड। So this is all and we have to write, so we can write in the paper so we can practice it, and this is the reference of the inside. Thank you dosto, thank you so much.